जनपद संभल में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध किया, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं ने बैठक की और इस बैठक में सपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता फिरोज खान ने की, वहीं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने की है। फिरोज खान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के ही लोग सिर्फ खुश हैं, अन्य तबका परेशान है। हमें क्या, देश का हर नागरिक इसके खिलाफ है। सिर्फ एक ही समूह खुश रह सकता है जिसका नाम आप जानते हैं, जो इस प्रदेश और देश के हर उस मोहब्बत भरे व्यक्ति को जिसने इस भारत को सजाने में, इस हरे भरे गुलदस्ते को सजाने में कोशिश की है। तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हत्या, लूट, बलात्कार, महंगाई, किसान मारे जा रहे हैं, परेशान है हर वर्ग, ये उससे जहन बांटने के लिए हर तीसरे महीने में नया फार्मूला लाते हैं। सरकारें विफल हो गई प्रदेश की, देश की। ये जहन बांटना है लोगों का और कुछ नहीं है। किसी को इस मुल्क से निकालने का अधिकार नहीं हो सकता, मैं जहाँ तक समझता हूँ। हमारे लिए न्यायालय, अदालतें बैठी हैं, हमारी हिफाजत तो इस वक्त देश में सिर्फ अगर हमें भरोसा है तो न्यायालय के ऊपर है। माननीय न्यायालय हमें न्याय दे सकता है और मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हम हर मामले में जहां उत्पीड़न होगा न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बाकी हमारे नेता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे अखिलेश यादव जी सक्षम हैं, नेताजी के आदर्शों पर हम लोग चलने वाले हैं। समाजवादी लोग खुल के लड़ाई लड़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जनता हमारे साथ है और जनता इन्हें आने वाले समय में मुँह तोड़ जवाब देगी। आपकी पार्टी भी इस चीज़ को लेकर मैदान में आई है, विरोध प्रदर्शन को लेकर? नहीं, पार्टी का मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही, जब पार्लियामेंट गए थे उस दिन ही बोल दिया था उन्होंने। और वो खुल के इस मुल्क के हर उस गरीब तबके के, पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, जिनके साथ आज जाति हो रही है। भेदभाव से हिंदुस्तान को, मुल्क को बांटने की कोशिश की जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके साथ खड़े हैं और हम लोग समाजवादी लोग पूरी ताकत से हर गरीब कमजोर के, चाहे किसी समाज का हो, हम सबके साथ बराबर खड़े हैं और लड़ाई लड़ेंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे अब जरूरत पड़ेगी तो।